फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने बनाया है बेहद सुंदर हैंड पर्स। मार्केट से भी सुंदर हैंड पर्स हमारा घर पर बनके रेडी हुआ है। देखिए पूरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आराम से बना सकते हैं और इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी है, कोई भी सामान आप आराम से रख के ले जा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए पूरी वीडियो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें शेयर करें। देखिए इस थैली का यूज करके हम सुंदर सा हैंड पर्स रेडी करते हैं। देखिए पूरी वीडियो। एक फैब्रिक देखिए, काफी ब्यूटीफुल फैब्रिक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी कपड़ा घर में अवेलेबल हो उस कपड़े का आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए टू पीस कट किए हैं, एक पीस ये और एक पीस ये। देखिए इसमें आगे साइड सुंदर सा वर्क किया हुआ है और ये बिना वर्क का है। तो देखिए इनकी लेंथ और विड्थ मैंने दोनों की सेम रखी है। तो देखिए इनकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 8 इंच और विड्थ रखी है मैंने 10.5 इंच। और दोनों की देखिए, दोनों की सेम है लेंथ, इसकी भी है 8 इंच और विड्थ है 10.5 इंच। तो देखिए मैंने सबसे पहले ऊपर रखा है मेन फैब्रिक, फिर रखा है जो भी हमारे पास शॉपिंग की खाली थैली होती है। आप इसकी जगह किसी फॉर्म का यूज या अस्तर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सबसे ऊपर मेन फैब्रिक, फिर शॉपिंग की खाली थैली और नीचे अस्तर रखा है, जिससे कि अंदर साइड भी हमारा लुक एकदम क्लीन आए। तो ये देखिए, अब मैं दोनों के चारों साइड सिलाई लगा के स्टिच करके दिखाती हूँ आप। देखिए मैंने दोनों फैब्रिक इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरीके से अटैच कर दिया है, ये अंदर साइड अस्तर है और इसके भी मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। इस तरीके से ये भी अटैच कर दिया है। अब लगाएंगे हम सबसे पहले इस जिप लगाने के लिए। देखिए मैंने ये जिप लिया है, आप किसी भी कोई भी कलर की ले सकते हैं, मेरे पास ये ब्लैक कलर की अवेलेबल है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए जिप लगाने से पहले हमने क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से जिप को बैक रखेंगे और साथ ही मैं यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मतलब बचा हुआ जिप है उसे हम बाद में कट कर लेंगे इधर को। तो देखिए यहाँ पर आप एक कपड़ा भी अटैच कीजिए अस्तर का, जिससे कि हमारे तागे बाद में दिखे ना। तो इस तरीके से सिलाई रख के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने जिप अटैच कर दी है। अब रखेंगे हम इसमें अपर स्टिच। देखिए इस तरीके से इसको अंदर को कीजिए या अंदर वाले पार्ट को, और इसके ऊपर एक सिलाई रख देंगे। देखिए अस्तर को भी इस तरीके से अंदर को करेंगे हम और एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो सिलाई लगाते हैं, जैसे मैंने अपर स्टिच भी लगा लिया है। जितना भी बचा हुआ जिप है इसको बाद में कट करूंगी। और ये देखिए इस तरीके से कपड़ा लगाने से देखिए जो भी हमारा ये तागे होते हैं ये हमारे दिखते नहीं। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो एक सिलाई लगा के दिखाते हैं। तरीके से मेरी जीप अटैच हो चुकी है और देखिए लुक वाइज भी ये काफी अच्छा लग रहा है, कोई भी तागा यहाँ से बाहर नहीं दिख रहा है। अब इसी तरीके से हम दूसरे में जीप अटैच करेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से बैक रखेंगे हम और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के दिखाते हैं। इसमें भी सिलाई लगाते समय हम इस तरीके से कपड़ा अटैच कर लेंगे। मैंने कपड़ा अटैच कर दिया है। अब हम इसमें भी अपर स्टिच करेंगे। देखिए कपड़े को आप अंदर साइड फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। मेरा अपर स्टिच भी कंप्लीट हो चुकी है और अब करेंगे हम इस कपड़े को अंदर को फोल्ड, जो भी हमारा ये कपड़ा है, जिससे कि कोई तागे वागे हमारे ना दिखे। इस तरीके से हमारी जीप अटैच हो चुकी है। देखिए इस तरीके से हम कपड़ा अटैच करते हैं तो हमारी जीप अटकती भी नहीं है। देखिए जीप अटैच कर दी है। अब रखेंगे हम इसको इस तरीके से और दोनों साइडों से सिलाई लगा देंगे इधर से। इस तरीके से मैंने दोनों साइडों से इसमें सिलाई लगा दी है। ये देखिए ये अब हम लगाएंगे साइडों से निशान। तो ये देखिए 1.5 इंच हम ऊपर को निशान लगाएंगे यहाँ से और 1.5 इंच हम इस तरीके से विड्थ वाइज निशान लगाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच मैंने विड्थ वाइज लगाया और 1.5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी। इस तरीके से दोनों साइडों से आप सेम निशान लगाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच पे और इधर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए हमने जो निशान लगाए हैं अब इनको हम कट कर लेंगे। पहले हमने नीचे से सिलाई लगा दी है। नीचे से सिलाई लगाने के बाद यह है देखिए मेरे पास अस्तर का कपड़ा, तो इसको इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए और यहाँ नीचे लगा दीजिए। नीचे लगाने से ये होगा कि जो भी इसके तागे हैं वो बाहर नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से नीचे इसको लगा देंगे। लगा के दिखाती हूँ। नीचे से मैंने कपड़ा अटैच कर दिया है जिससे कि हमारे तागे बाहर ना निकले। अब देखिए आप पहले सिलेंगे हम इस तरीके से इन कोनों को। देखिए इस तरीके से कोने आप ओपन कीजिए, ये देखिए, और इस तरीके से हम सिलाई रख देंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइडों से सिलाई रखेंगे।
सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये बैग रेडी हो चुका है, तो इसे अभी ओपन फिर करूँगी। देखिए पहले जिस तरीके से मैंने यहाँ नीचे कपड़ा अटैच किया, उसी तरीके से यहाँ साइड में भी और इधर साइडों में भी अटैच करूँगी। तो किस तरीके से अटैच करना है वो बताती हूँ। देखिए ये है मेरे पास एक कपड़ा, और इसको देखिए हल्का सा आप इधर से फोल्ड कीजिए और हल्का इधर से फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ पर साइड में इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। तो इसी तरीके से इधर भी कपड़ा लगाऊंगी और चारों तरफ मतलब चारों कोनों में कपड़ा लगाऊंगी। तो लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मैंने देखिए साइडों में धागा ये कपड़ा अटैच कर दिया। इसी तरीके से आप भी कर लीजिए, नीचे से भी, इस साइडों से भी और इधर भी। और अब करेंगे हम इसको ओपन। देखिए देखिए ये ब्यूटीफुल सा पर्स बन के रेडी हो गया। देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है और कितनी फिनिशिंग आई है इसमें ये। और अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है, आप कुछ भी सामान इसमें आराम से रख सकते हैं। अब हमने अटैच करने हैं, ये देखिए ये बना है मैंने हैंडल। तो देखिए कपड़े को डबल करके इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई रखी है मैंने कपड़ा डबल करके। तो इसकी लेंथ बताती हूँ आपको, पहले आप इक्वल कर लीजिए इनको, बराबर कर लीजिए दोनों फीतों को। और इनकी लेंथ रखी है मैंने 14 इंच। अब किस तरीके से अटैच करना है वो देख ध्यान लगाएंगे। ये देखिए ये है सेंटर, सेंटर पॉइंट से हम लेंगे 2.5 इंच एक साइड और 2.5 यानी कि 2.5 इंच एक साइड। और इस तरीके से जिप को करेंगे ओपन। दोनों साइड निशान लगा लीजिए आप इस तरीके से, आगे साइड भी निशान लगा लेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से हम इनको सिल देंगे, इस तरीके से सिलेंगे। तो देखिए सिलने से पहले आप हल्का सा नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से इधर भी हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे फिर अटैच करेंगे। अटैच करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल हैंड पर्स बन के रेडी हो गया है। और अंदर स्पेस भी काफ़ी है, कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। इसे आप मेकअप बॉक्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और अगर मार्केट जाना हो तो इसमें आपका फ़ोन, पैसे और छोटी सी वाटर बोतल आप कुछ भी रख सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल बन के रेडी हुआ है ये देखिए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।